राधे राधे। वृंदावन में मौजूद प्रेम मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता भक्तों को घंटों तक रुकने के लिए मजबूर कर देती है। आज मैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाला इस प्रेम मंदिर के बारे में जानने वाले है। प्रेम मंदिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। प्रेम मंदिर के इस मुख्य प्रवेश द्वार पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण बनाए गए है। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद को एक अद्भुत शक्ति की अनुभूति होगी और आपके सामने हजारों भक्तों का यह सैलाब नजर आएगा। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर के रूप में करवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें सफेद इटालियन संगमरमर प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को बालूजी महाराज द्वारा किया गया है। मंदिर में आपको चारों तरफ राधा कृष्ण और उनकी दिव्य छवियां नजर आएंगी। यहाँ उनके बचपन के बारे में बताया है। यहाँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, लकियों के साथ अद्भुत प्रतिमाएं है। सर्वप्रथम आपको आलिया नाग दमन लीला नजर आएगी। ज्यादातर भक्तजन शाम के समय प्रेम मंदिर में आना पसंद करते है, क्योंकि शाम के समय प्रेम मंदिर की भव्यता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। रात के समय यहाँ की लाइटिंग सेकंड में बदल जाती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ की सभी झांकियाँ जीवित नजर आती है। इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए आप मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आ जाओगे। मंदिर जितना बाहर से दिव्य और खूबसूरत दिखता है, उतना ही अंदर से खूबसूरत और भव्य नजर आएगा। मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु महाराज जी की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में आपको राधा कृष्ण के सुंदर से दर्शन होंगे। मंदिर में कुल 84 स्तंभ है, जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित है, जो सजीव जान पड़ती है। अंदर की दीवारों पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर श्री राम और माता सीता के दर्शन होंगे। यहाँ से आप यह सुंदर सा नजारा भी देख सकते हो। मंदिर में 84 स्तंभ है, जो श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में किया गया है। शाम के 7 बजे यहाँ पर लाइटिंग म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, जो 7:30 बजे तक चलता है। और मंदिर के बाहरी दीवारों पर वो राधा कृष्ण और कृपालु महाराज की विविध झांकियां देखने को मिलेंगी। इसमें भगवान श्री कृष्ण का बचपन भी दिखाया है। और यहाँ से आप मंदिर की परिक्रमा भी लगा सकते हो। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। पूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना है। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी दिव्य झांकियां देखने को मिलेंगी। श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गाय चराते नजर आएंगे। यहाँ पर श्री गोवर्धन लीला दिखाई गई है। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र देव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। यहाँ पर पुतना वध भी दिखाया गया है। आगे
आगे आपको भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ माखन खाते हुए नजर आएंगे। वासुदेव जी इसी प्रकार नन्हे से बाल कृष्ण जी को पुरी में रखकर तुरा से गोकुल यमुना जी को पार करा के लाए थे। झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते हुए नजर आएंगे। आरती के समय प्रेम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठे होते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक, शाम के 4 बजे से 8:30 बजे तक का है। और आप प्रेम मंदिर में रात के समय में ही आना। इस मंदिर में दर्शन करने में और पूरा मंदिर कवर करने में कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं। यह थी प्रेम मंदिर की संपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। राधे राधे।